हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट इस टर्म में है क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिसर्च है वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल टॉपिक है ये रिसर्च एरिया के अंदर। और दूसरा, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज कर रहे हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट, इनके अंदर जो है न्यूरल नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पे टॉपिक का नाम मैंने लिखा है न्यूरल नेटवर्क गोज टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूरल नेटवर्क से। न्यूरल नेटवर्क एक्चुअल में है क्या? न्यूरल यहां पे वर्ड है न्यूरोन, और नेटवर्क मतलब ऑब्वियसली जो न्यूरॉन्स जो है आपस में कनेक्टेड है, जैसे कि इंटरनेट है। इंटरनेट में हम बोलते हैं कि ऑल द पीसीज, मोबाइल्स, ये सब लोग क्या है, आपस में कनेक्टेड है। और वो एक्चुअल में करते क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ डेटा। वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर देर आर गजिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब बहुत ही हाई नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, और वो सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है विद अ नेटवर्क। और वो कनेक्टिविटी उनको क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन का फ्लो करने में, डेटा को फ्लो करने में, प्रोसेस करने में, पैरेलल प्रोसेसिंग करने में वो हेल्प करती है। और ऑब्वियसली वो बहुत ही कम टाइम के अंदर डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को पास कर सकते हैं और आउटपुट जो है वो जनरेट करते हैं। अब यही ह्यूमन ब्रेन जो इस तरीके से काम कर रहा है, उसके साथ साथ ह्यूमन बींग में, ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल क्या करता है? लर्निंग एल्गोरिदम्स काम करते हैं। मतलब ह्यूमन ब्रेन एक्सपीरियंस से लर्न कर सकता है, अपने अंदर डेटा को ट्रेन कर सकता है। जो ट्रेनिंग की कैपेसिटी है, लर्निंग की कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी जो है ह्यूमन ब्रेन को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन बनाती है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं, वो मशीन्स के अंदर बिल्कुल एज इट इज, जैसे हमारा न्यूरॉन जो है, हमारा ब्रेन सिस्टम काम करता है, वही चीज हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं मशीन्स के अंदर। और उस चीज को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब वहां पे ऑब्वियसली बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स नहीं होंगे जो हमारे ब्रेन में है, लेकिन वहां पे आर्टिफिशियल न्यूरल होंगे, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होंगे, और वो भी उसी तरीके से कनेक्टेड होंगे नेटवर्क्स के थ्रू जैसे वो हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्टेड है। और वो भी क्या करेंगे? लर्न करेंगे, डेटा को ट्रेन करेंगे और ऑब्वियसली एक बेटर आउटपुट जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क का जो सबसे बड़ा बेसिक एम है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि न्यूरल नेटवर्क है क्या, क्या उसका बेसिक एम है, तो यही मेन एम है कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको हमने एज इट इज डालना है मशीन के अंदर और वो लर्न करे चीजों को अपने एक्सपीरियंस से। और यही चीज जो है हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो चीजें न्यूरल नेटवर्क से अलग कैसे हैं? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, अगर हम कंप्यूटर के अंदर चेक करें 8 की पावर 8, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही कम टाइम के अंदर इसकी आउटपुट निकाल देगा, लेकिन ह्यूमन ब्रेन जो है यहां पे डेफिनेटली कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेगा इस चीज को कैलकुलेट करने में। मतलब यहां पे ह्यूमन ब्रेन जो है वो थोड़ा लेस एफिशिएंट है, लेकिन कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म जो है यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहां पे नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हैं वो काम अच्छा नहीं करेंगे? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट्स से आप पहले दिन ऑफिस में गए, तो ऑफिस में आपने ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से मिले, तो आपने फेस जो है वो उनके डिटेक्ट किए, मतलब फेस को आपने रिकॉग्नाइज किया। और नेक्स्ट डे जब आप अगेन ऑफिस में गए, तो ऑब्वियसली आपका माइंड जो, आपका जो ब्रेन है वो फेस को डिटेक्ट करेगा, फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, वहां पर यह भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो शेव करके आए हों या ट्रिम करके आए हो, मतलब कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन जो है उनके चेंज हो, तो आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उनको रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो लर्न करता है, ट्रेन करता है। लेकिन यही चीज अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर में करना चाहें, तो ऑब्वियसली उसको पहले सारी स्कैनिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, तो उन 100 पीपल को आपको सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा, उनकी फोटोज को आपको पहले स्कैन करके कंप्यूटर को देना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अगर आप फिर दोबारा से चेक करते हो,
अगर आपने कहीं ना कहीं वहां पे कुछ फोटो में चेंज कर दिया, मतलब दाढ़ी थी अब दाढ़ी उन्होंने हटा दी या मूछें लगा दी, तो वहां पे जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो आउटपुट है, वो 100% प्रूफ जो एक्यूरेट नहीं होगी, वो मैक्सिमम 40-50% के बीच में ही लाई करेगी, मतलब वो इनएक्यूरेट सिस्टम है। वही चीज हम यहां पे बता रहा हूं कि जो इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा के ऊपर हम एल्गोरिदम्स लगाते हैं, प्रोग्रामिंग लगाते हैं, और हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक मीनिंगफुल आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये काम जो है वो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो करता है। लेकिन अब हमने नेक्स्ट यहां पे क्या कर दिया, न्यूरल नेटवर्क्स को इंप्लीमेंट कर दिया। तो न्यूरल नेटवर्क्स यहां पे क्या करेंगे, अब वो इंप्रूवमेंट यहां पे करेंगे, लर्न करेंगे, ट्रेन करेंगे, जैसे कि हमारा ब्रेन करता है। जैसे कि एक सिंपल से और एग्जांपल्स में आपको बताना चाहता हूं, आजकल एवेंजर्स जो है, एवेंजर्स मूवी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उसके अंदर आयरन मैन जो है टोनी स्टार्क, अब टोनी स्टार्क की अगर आपको मैं कोई भी फोटो दिखाऊं, ह्यूमन ब्रेन को कोई भी फोटो दिखाऊं जिसमें उसकी दाढ़ी बड़ी हो या मूछें लगाई हो, या अगर वो आयरन मैन का जो है पूरा मुखौटा पहन के आया हो, या फिर कोई और एक्सप्रेशन बनाए, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन बनाए, आप तुरंत पहचान लोगे कि ये टोनी स्टार्क है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ट्रेन करता है वो चीजों को। जैसे ही हमने उसने थोड़ी शक्ल को ऐसे चेंज किया, थोड़ा इधर को चेंज किया, वो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है साथ के साथ ट्रेन करेगा, लर्न करेगा और पहचान लेगा कि यस This is Tony Stark। लेकिन यही चीज अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर से करना चाहते हो जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क नहीं है, तो वो ये काम प्रॉपरली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको आपको हरेक फोटो का, हरेक फेशियल एक्सप्रेशन का, जो भी वो चेंज कर रहा है, वो सारी की सारी आपको बार बार उसको फीड करनी पड़ेगी, और जो आप फीड कर रहे हो उसी फीड के बेसिस पे वो कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। वो जो आउटपुट जनरेट करेगा ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। वो क्लासिफिकेशन को ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज जो है वो पूरी एक्यूरेट नहीं होगी। जैसे ही एक और नया एक्सप्रेशन बनाया, वो साथ के साथ आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बोलेगा कि मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, या मैं कह रहा हूं कि ये 20% मिलता है या 30% मैक्सिमम मिलता है टोनी स्टार्क से। लेकिन अगर आप इस चीज को न्यूरल नेटवर्क से इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो बोलेगा 90-95% ये जो है रिकॉग्नाइज कर रहा हूं मैं एज टोनी स्टार्क। मतलब यहां पे हमारे पास जो है एक्यूरेसी बढ़ रही है, और ये जो है अपने आप लर्न कर रहा है, यही न्यूरल नेटवर्क की पावर है। क्या? न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम बात करते हैं यहां पे लर्निंग एल्गोरिदम्स की, और ये लर्निंग एल्गोरिदम्स ही एक्चुअल में पावर है किसकी, न्यूरल नेटवर्क्स की। और ये जो है हमारे ब्रेन के अंदर जो काम चलता है, इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ये आजकल आपने बहुत सारी एड्स भी देखी होंगी, अभी आलिया भट्ट की एक एड थी जिसके अंदर मतलब उसका फ्रेंड जो है वो टी शर्ट के ऊपर कुछ चाइनीज में लिखा होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो कुछ लाइक समुराई कोई फिलोसफी की काइंड ऑफ ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताता है। लेकिन जैसे ही उसने गूगल ट्रांसलेट पे उसको चेक किया, साथ के साथ उस पे जो है उसकी आउटपुट जो है वो जनरेट होगी। मतलब कहने का क्या है कि गूगल का जो डेटा है वो ऑलरेडी ट्रेन्ड डेटा है, और वो और डेटा ट्रेन करता है, और वहां पे लर्निंग एल्गोरिदम्स काम करते हैं। तो जैसे ही आप कुछ ना कुछ इनपुट डेटा दोगे, वो इनपुट को सबसे पहले मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करेगा, उसके ऊपर फिर वो न्यूरल नेटवर्क लगा के लर्न करेगा, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश जो है वो करेगा। यहां पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है यहां पे बायोलॉजिकल न्यूरॉन का। बायोलॉजिकल न्यूरॉन में हमारे पास आते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, जो इनपुट को यहां पे फेच करते हैं, मतलब इनपुट को ये खींचते हैं, और फिर हमारे पास सेल बॉडी है यहां पे जो प्रोसेस करने के काम आती है, देन एक्सोम्स हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा जो है वो पास होता है, और ये हमारे पास टर्मिनल एक्सोम्स हैं, और ये आगे फिर नेक्स्ट डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। मतलब यहां पे सिनेप्सिस करके बहुत सारे जो है कीवर्ड्स हम यहां पे यूज करते हैं। ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं मशीन के अंदर विद आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो यहां पे हमने क्या किया, X1 X2 अप टू XN जो है ये हमारी इनपुट्स हैं, उनके साथ कुछ एसोसिएटेड वेट्स हैं, और वो उसके बेसिस पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे सिग्मा,
समीशन मैं यहां पे लगा रहा हूं, समीशन में हो सकता है अगर मैं लीनियर फंक्शन लगा रहा हूं तो लीनियर फंक्शन क्या है, x1 w1, हो सकता है मैं यहां पे सिग्मॉइड फंक्शन लगाऊं, हो सकता है मैं यहां पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा सकता हूं। तो ये फंक्शन जो है मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं, उस आउटपुट को फिर हम कंपेयर करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यूज के साथ कि क्या हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। तो ये जो काम करते हैं हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो एज इट इज हमारा जो है बेस कहां पे है, वो बेस हमारा है बायोलॉजिकल न्यूरॉन। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसका जो बेसिक यही है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है काम करता है और उसी चीज को हम मशीन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जो ये गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट में अगर हम चेक करें कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ, गूगल असिस्टेंट में आप डालो कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ अवेंजर्स, तो वो क्या होगा, वो कीवर्ड्स उठा लेगा मतलब टाइमिंग अवेंजर्स, और साथ के साथ आपको शो करेगा आपके नियरेस्ट मल्टीप्लेक्सेस में कि कौन कौन से टाइमिंग्स अवेलेबल है। मतलब कहने का क्या है कि यहां पे वो चीजों को लर्न कर रहा है, कीवर्ड्स को उठा के उनको उनके बेसिस पे वो आउटपुट जो है वो एक्यूरेट आउटपुट जो है वो जनरेट करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, सिंगल लेयर है हमारे पास, मल्टी लेयर है, रेकरेंट है, इन चीजों को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और कैसे हमारे जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं और कैसे हम वेट्स को चेंज करते हैं। हम हो सकता है स्टार्टिंग में जो इनपुट्स हैं इनपुट्स को हम कोई भी एक रैंडमली वेट्स जो है नॉर्मली असाइन कर दें, लेकिन इन वेट्स को हम कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे हम इनको एक्यूरेट करते हैं, ये हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है न्यूरल नेटवर्क की कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, कहां पे हम इसको यूज करते हैं। थैंक यू।